यार सिक्योरिटी आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो जा रही है लाइक अरे विजुअल खराब है साइड एक साइड ले लो कोई एक साइड बना के रखे आराम से भाई भैया थोड़ा आगे निकल जाओ भैया थोड़ा आगे हाँ ठीक है मेरा लाइट चल रहा है बस यहाँ पे भैया रुकवा दो भैया मेरे से ही लड़ जाते हैं पांड्या जी थोड़ा सा आगे आप पहली बार बात कोई सर थैंक यू यदि भी कोविड कोई लोग प्रश्न रखते हैं प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट और भैया लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया है सब थोड़ा पीछे ना थोड़ा थोड़ा जहाँ कोई दिक्कत वही देख लो एम्स को सिलेक्ट किया प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जल्दी फ्री हो जाइए इससे ताकि आपको कोई तकलीफ हम सब लोगों ने लगाया हुआ है आपका पहला या दूसरा पहला ही आपने देर कर दी क्या बात आपका बस हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबको थैंक यू सर पूरा हिम्मत करके लगवाइए और फ्री हो जाइए इससे बहुत बड़ा हेल्थ कवरेज होगा चल चल आगे निकल कोविड से लड़ सकेंगे आगे निकल सबसे बड़ा और ऐसा लग रहा है मैडम अच्छा लग रहा है सर जब से सर मतलब अच्छा इसमें भी है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है सर वो तो करना ही चाहिए ये वैक्सीनेशन अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हो तो पूरी यूनिट को ही काम करना पड़ेगा सर तो डर तो नहीं लगता अच्छा लगता क्योंकि आप लोगों ने एकदम जब कोरोना एकदम चरम सीमा पर था तब आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है इसके सारी डे वन से डे वन से हैं बहुत मेंटल टेंशन होती होगी उस समय सर बिल्कुल नहीं अरे वेरी गुड मोदी जी के साथ है मोदी जी का कोई भी वो हो तो प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए मिले इससे अच्छा क्या बहुत ठीक है ठीक है 17 तारीख को तो आप लोगों ने तो गजब कर दिया 2.5 करोड़ का लगा दिया सर का बर्थडे था ना
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी और बधाई भी और शुभकामनाएं, क्योंकि मोदी जी के सपने को साकार करने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो सका। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के डायरेक्टर साहब ने सबने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। टीका लग रहा है वो भी दिखा देते चल अब ऊपर नहीं कसी है। चलो 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 मैम चलो फास्ट एक से। अरे 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 आइए सरकार में। अरे यार क्यों कर दिया तुमने नजदीक, मैंने तो किया ही नहीं कुछ भी। लगे लगाओ मुकेश बहुत ही आ रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया आ रहे हैं। अरे सर सही है, बस बढ़िया थे, बहुत अच्छा लगा। बैग पे उतार देना तू सर, छोटी तो नहीं है, एक बार देख लेना। निकाली हटा दूं क्या? बैग पे नहीं निकालना है अभी तो, पता ही नहीं चल रहा। उस बंदे को थोड़ा उधर कर दो ना यार, आ जाएगी उधर। यार भैया फट, अरे आप लोग फट से किनारे हो ना। अरे हटा थोड़ा इस तरफ से। अरे यार लोकेश इसको मारो जरा, मुकेश के भैया नौ बजे से आए दिख रहा है ना। हाँ भैया मित्रों, आज मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वैक्सीनेशन सेंटर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वैक्सीनेशन सेंटर में कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात ये दूसरी विजिट है। और वैसे 21 जून को मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था और उस दिन हमने वहां भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का अवलोकन किया था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 18 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले लोगों का फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। उसी दिन मैंने ये चर्चा भी की थी कि दिस इज गोइंग टू बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराया था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। और मुझे खुशी है कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपना योगदान किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट
तीव्र गति से चलने वाला और जिसको कहा जाए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बहुत कम अवधि में 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि 17 तारीख को 17th को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर दुनिया का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का टूटा। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना योगदान किया। मैं इस सफलता के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी, उनकी टीम और हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्री प्रदेशों के और हमारे सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी स्टाफ नर्सेस, सब लोगों ने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया और दुनिया का रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा एक दिन में सफलता मिली है। इसके लिए पुनः मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी और हमारे इंस्टीट्यूशंस के यहां हेड एम्स के गुलेरिया जी, सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी ताकत लगा करके सफलतम कार्यक्रम बनाया है। मित्रों, यह वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के दृष्टि से जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं यह भी चाहता हूं कि जिस दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ उस दिन विपक्ष की चुप्पी और इसके साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों का पिछले एक साल में वैक्सीनेशन पर गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बयानों का, इन राजनीतिक दलों को विवेचन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या उन्होंने वक्तव्य दिया जब देश, सारे लोग, प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों लोग खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, तो विपक्ष पिछले एक साल से गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बयानों के कारण उनकी समाज में क्या साख रही है, इस पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविवेचन करना चाहिए। यह आत्मचिंतन और विवेचन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के प्रजातंत्र के दृष्टि से यह सोचना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों की रेलेवेंस क्या है। मैं उन बयानों को याद नहीं कराना चाहता क्योंकि आज हम दुनिया के फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन जरूर सोचना चाहिए और भारत की आवाम जिस तरीके से मोदी जी के साथ सभी कार्यक्रमों में अपना योगदान कर रही है और देश उनके नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, उसके लिए मैं भारत की जनता को, करोड़ों करोड़ों जनता को कोटि कोटि नमन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने उनका साथ देकर के इतने बड़े कोरोना के संक्रमण को उनके नेतृत्व में इसमें सफलता हासिल हो, इसके लिए उनका सकल योगदान रहा है, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुनः मैं सभी हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ फ्रेटर्निटी को, मनसुख भाई की टीम को और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है उसको सफल बनाने में जो करोड़ों लोगों ने देश की मदद की है और उसमें अपना सकल योगदान किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीनेशन अलग बात करेंगे।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.